हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 6 रुपए 80 पैसे के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है, आज हल्की सी तेजी इसमें जरूर देखने को मिली। एक्चुअली आज देखे तो पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन साउथ इंडियन बैंक में कोई खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब शेयर इतने सस्ते प्राइस के ऊपर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते, शेयर 6 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने की हम बात करें तो 1 महीने में 16% की भयंकर गिरावट है। देखिए, साउथ इंडियन बैंक के ऊपर एक्चुअली कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। ज्यादा दूर की भी बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, और तब शेयर आई थिंक 7 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, 7.5 या 8 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। और आप देखिए, तब से लेकर अब तक शेयर में 8.5 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है और थंबने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में साउथ इंडियन बैंक में 42% की गिरावट है। 12 रुपए तक का हाई था, कोविड के चलते ऐसी गिरावट है कि 5 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया था, फिर बाउंस बैक किया, फिर भयंकर गिरावट आई, फिर ऐसा बाउंस बैक किया कि किसी को खरीदने तक का भी मौका नहीं मिला, 9 रुपए तक शेयर पहुंच गया। लेकिन आप देखिए, उसके बाद एक बड़ी गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है और ये वाकई में काफी स्कैरी है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में साउथ इंडियन बैंक में 76% की गिरावट देखने को मिली है। 34 रुपए तक का हाई बना है और 5 रुपए तक का लो है। 10 साल की भी अगर मैं बात करूं तो 10 साल में साउथ इंडियन बैंक जो है उसमें 60% की गिरावट है। आप खुद देखिए, 10 साल में यह शेयर ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 28 रुपए का इसका प्राइस रेंज है, 33 से 34 रुपए तक का हाई है और 5 रुपए तक का लो है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है यह शेयर। तो ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 साल 10 साल के लिए दाव खेल सको, जी नहीं, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप लंबी दूरी का निवेश का प्लान बना सको, क्योंकि शेयर फ्लक्चुएट ही नहीं हुआ है। आपका पैसा जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, आपका पैसा ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1,227 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 56 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो भैया हर कोई बिकवाली कर रहा है। ये जो तेजी आई थी ना, जब शेयर 9 रुपए तक पहुंचा था ना, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट कर गए, उन्होंने मुनाफा कमा लिया और रिटेल निवेशक वहां पर फंस गए। अब देखिए, जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो 15.98% की होल्डिंग है एफआईएस की, जो पहले 19.10% थी, मतलब एफआईएस ने 3.12% की होल्डिंग अपनी बेच दी है। म्यूचुअल फंड ने तो भैया ऑलमोस्ट एग्जिट का रास्ता अपनाया है, 3.54% की जो होल्डिंग थी वो एक ही क्वार्टर में 0.75% हो चुकी है, मतलब 2.80% जितनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने बेच दी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.22% की होल्डिंग देखने को मिली, हालांकि उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सारी की सारी होल्डिंग खरीद ली है, 79% की होल्डिंग उनके पास है अभी। यहाँ पर देखिए, 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया, 58 FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और यहाँ पर अगर हम बात करें हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की, तो यूसुफ अली मुसल्लम वेटिकल अब्दुल कादिर का कोई है जिनके पास 4.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61% के आसपास है। बैंक ने पिछले साल जुलाई महीने में डिविडेंड पे किया था 25% का, मतलब 25 पैसा पर शेयर का। इस बार डिविडेंड आई थिंक पे नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने खुद बोला है कि बैंक को मॉरिटोरियम देना है अपने कस्टमर्स को, तो उसके चलते अगर वो इस बार डिविडेंड पे नहीं भी करेंगे तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी डाउनग्रेड है, अभी भी कुछ अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है, अभी भी गिरावट के संकेत है। पीई 10.97 है, काफी अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि पीई इंडस्ट्री पीई है वो 24 के आसपास है, बुक वैल्यू 28 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.24 है, काफी सस्ते ऊपर है। ईपीएस 0.62 है और डिलीवरी तकरीबन 53 के आसपास देखने को मिल रहा है। 81% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है और 14% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू है। और आई थिंक मैं उस 14% लोगों में काउंट हो रहा हूँ जो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है
इस बैंक को लेकर। हालांकि जून के नतीजे काफी शानदार थे, काफी एंकरेजिंग थे। 82 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है बैंक ने, जो काफी बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले 140 से 145 करोड़ का बैंक लॉस रिपोर्ट कर चुका है मार्च 2020 के क्वार्टर में। तो जून के नतीजे काफी शानदार थे और उसी नतीजे के बदौलत शायद शेयर में इतनी बड़ी रैली आई थी, लेकिन अब वापस शेयर टूट रहा है। इससे पहले दिसंबर में भी 90 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर में 85 करोड़ था और पिछले साल जून 2019 में 75 करोड़ का भी प्रॉफिट कमाया था। हालांकि सिर्फ मार्च क्वार्टर में ही नुकसान हुआ, वरना बाकी हर क्वार्टर में बैंक ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया हुआ है। नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है। ग्रोस एनपीए जो पहले 4.98 था, आज वो 4.93 है। नेट एनपीए पहले 3.34 था, तो 3.09 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो हर कोई यहाँ से एग्जिट कर रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 22.88% की जो होल्डिंग थी एफआईएस की, आज वो 15.98 है। मतलब बहुत सारी होल्डिंग्स एफआईएस ने अपनी गिराई है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट होने की कगार पर है, 4.89% की होल्डिंग 0.75% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.22% की होल्डिंग, तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर मेंटेन्ड है, जबकि एफआईएस और म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। तो भैया ऐसा कुछ तो होगा जो इन बड़े बड़े फंड हाउसेस ने देखा है और रिटेल निवेशकों ने यहाँ पर नहीं देखा है। और जो सबसे बड़ी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि शेयर फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहा है, शेयर ज्यादा दौड़ ही नहीं पा रहा है। 10 साल में भी आप खुद देखिए कि 30 रुपए का भी प्राइस रेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव यहाँ पर मूव है। काफी स्लो ये शेयर ट्रेड करता है। ओवरऑल एक शॉर्ट तेजी यहाँ पर जरूर आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस तेजी का फायदा जो है वो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने उठाया है मुनाफा वसूली करके, और रिटेल निवेशक वहां पर फंसते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी शेयर उतना ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है खरीदारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी भी मेरी राय यहाँ पर से खरीदारी करने की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में और गिरावट आ सकती है, और अगर अनाउंसमेंट हुई मोरिटोरियम एक्सटेंड करने की, जो हालांकि काफी ज्यादा उसकी चर्चा भी है, 6 तारीख को पता चलेगा कि भैया मोरिटोरियम एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर मोरिटोरियम अगर एक्सटेंड होता है तो जो छोटे बैंक हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होगी, और साउथ इंडियन बैंक एक काफी छोटा बैंक है, अगर मोरिटोरियम एक्सटेंड होता है तो इनके जो एनपीएस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं बैंक की हालत खस्ता होने के भी चांसेस है। तो रिस्क काफी ज्यादा है इस बैंक में, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा यहाँ पर। और अगर आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना ही सबसे बेहतर यहाँ पर ऑप्शन होगा। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। खरीदारी या बेचने से पहले अपने फंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। खरीदारी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।